मैं हूँ, मैं हूँ मुताहिर गिल, मैं हूँ, मैं हूँ मुताहिर गिल। Assalamualaikum everyone, my name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. इस वक्त मैं बिलालगंज में मौजूद हूँ, जैसा कि आपने मोन्टाज की वीडियो में देखा है। और जो मेरी कल्टस है उसका अगला बम्पर जो था वो टूट गया था, उसको रिपेयर करवाने का पहले मैंने सोचा, वो आगे पहले किसी ने रिपेयर कराया हुआ था जिससे ली थी। अब मैंने ये बम्पर अंकल से लिया है और एक जो साइड मिरर था राइट साइड वाला, ड्राइविंग साइड वाला, उसमें भी थोड़ा इशू आ रहा था, वो टूटा हुआ था। तो मैंने अब वो जो मिरर है वो भी एक न्यू ले लिया है। ये उसका साइड मिरर है गाड़ी का, और ओपनिंग बाद में कर देना ये। और ये वो जो बम्पर है अगला, ये वो है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम अंकल के साथ चेक कर। ये अब बम्पर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेक करने लगे हैं कि इसको जो भी चीज हिट होगी इसको कुछ नहीं होगा। ये देखें, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा हुआ है और अंकल ने पूरा इसको ट्विस्ट कर दिया है और ये बम्पर को कुछ भी नहीं हुआ। इससे अंदाजा ये होता है कि इसको जो मर्जी चीज आगे लग जाए ये बम्पर को कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये है जी, ये राइट साइड का मिरर है जो मेरा टूटा हुआ था, ये उसको ऊपर उठाते थे तो वो मिरर बाहर आ जाता था। अब ये जाके उसकी जगह लग जाएगा इस तरह। हाय हाय, अब हर चीज नई नजर आएगी। और इसको हम फिर बाद में जो हमारी गाड़ी का कलर है उस तरह ग्रे कलर का पेंट करवा लेंगे। और ये जो दो चीजें अंकल से ली हैं हमने, अंकल की शॉप का नंबर क्या है आपकी शॉप का? 97 नंबर शॉप है, हाफिज एंड ब्रदर्स के नाम से। सुजुकी की जितनी आइटम्स है, पिकअप होगी, मेहरान होगी, आल्टो कैरी डब्बा और कल्टस वगैरह का ए टू जेड सब सामान आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये की सीट्स यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सारी कल्टस की सीट्स है। अंकल इतनी चीजें बिलालगंज में क्यों महंगी हो गई? आप पीछे से कॉस्ट बहुत महंगा हो गया है, डॉलर कहाँ चला गया, सारी इम्पोर्ट बाहर की है। भी चीज को समझते हैं, डॉलर बढ़ता जाएगा काम महंगा होता जाएगा, तो ये जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा काम सस्ता नहीं होगा। इंपोर्ट पे भी बैन लग रहा है ना, कराची से भी। तो बिलालगंज पहले आते थे पाउंड रखने की जगह नहीं होती थी, आजकल कोई कस्टमर नहीं नजर आता। अब लेट जाए आप, ये वही महंगाई की वजह, महंगाई की वजह, अदरवाइज और कोई वजह, और कोई वजह नहीं। तो आपके पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है सुजुकी? बॉडी पार्ट्स तकरीबन सुजुकी के सारे, सुजुकी के सारे रखे हुए हैं। पिकअप में कैरी डब्बा है, मेहरान है, कल्टस है, उन चीजों के आपको बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे, मैकेनिकल पार्ट्स मिल जाएंगे, वो बाहर लगे हुए मैकेनिकल पार्ट्स भी है हमारे पास। सुजुकी के मतलब आप कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाना इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं पीछे भी आपको तमाम चीजें, ये ऊपर ये जो लाइट्स उसके ऊपर लगती है, ये डोर हैंडल्स है, ये तमाम चीजें आपको सुजुकी की यहाँ से मिल जाएंगी अंकल की शॉप से। 97 नंबर शॉप का नेम है, हाफिज एंड ब्रदर्स के नाम से। तो ये अब दो चीजें ली है, अब इसका बिल करवाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे बाद में और भी चीजें बिलालगंज में। जी तो सामान हमने ले लिया, बिल भी करवा लिया, और अंकल का जो नंबर है वो वीडियो के नीचे दे दूंगा। आपको सुजुकी से रिलेटेड कोई भी सामान लेना हो आप फ़ोन भी कर सकते हैं और अंकल से एड्रेस वगैरह पूछ के, बिलालगंज मेन पे इनकी मार्केट के अंदर शॉप है, आप आ सकते हैं। अंकल थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ डिस्काउंट भी बहुत प्यार मोहब्बत किया, जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया। अब ये जाके मैकेनिक को देंगे और उनसे लगवाएंगे। ये फजान साहब भी हमारे साथ हैं, कुल्ली। और ये सारा बिलालगंज है, कटी हुई गाड़ियाँ, खुली हुई गाड़ियाँ, स्टेयरिंग, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। ये गाड़ी किसी को लग गई ना तो काम ख़राब हो जाना, सीधा कर लो यार, लग जाना किसी को। नहीं, ये करोला शरोला के पुराने मॉडल्स के, ये भी करोला की डिग्गी, ये करोला के बम्पर्स, ये रिबोन के बम्पर्स, रिबोन की डिग्गी, ये भी करोला की, पता नहीं SDY 8786 किसकी गाड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मुताहिर गिल, मैं हूँ मुताहिर गिल। बम्पर जो हमने लिया था कल, बम्पर। जी तो कैसे हैं आप लोग? डे टू है और अब हम बम्पर की तब्दीली के लिए जा रहे हैं और बहुत तेज धूप है यार, I swear to God।
बहुत ज्यादा तेज धूप है, पड़ रही है, खा रही है, सीने में साड़ जल रहा है, इस टाइम फुल पसीना आ रहा है भाई लोगों। और इस टाइम हम जा रहे हैं बम्पर की तब्दीली करवाने। पहले हमने जाना है अपने एक दोस्त के पास, उस दोस्त को हमने ये जो है जो हाशिड है उसके हमने ना पेंट खरीदा था अपनी जो घर में हमारा होड़ है, पेंट हो गया ज्यादा, थोड़ी बचत कर ले, हमने कहा वापस करवा के बकाया पैसे ले आएंगे। तो इस गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं कि इसको मैंने पूरे 2 वीक के बाद निकाला है। उसकी रीजन ये थी कि बचत, भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, नहीं भाई गाड़ी अफोर्ड नहीं होती, सीधी सी जो बात है, नहीं हमें जरूरत चौकियां मारने की, तो 70 पे जाते थे हम। तो आप ये देख लें सुई भी एंडी है, और अभी पहले पेट्रोल डलवाएंगे, पहले फिजान को लेंगे, उसके बाद कैमरे का बैग लेंगे, फिर पेट्रोल डलवाएंगे। लेट्स गो, अपने रास्ते की तरफ गामजन होते हैं। आप लोगों की खातिर मैं पसीना बर्दाश्त कर रहा हूँ, गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैंने शीशा बंद किया कि यार ऑडियो क्लियर आनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अभी चलते हैं और फैजान को लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे हाशिर को सामान वापस करने, और हाशिर को सामान वापस करने के बाद जाएंगे मैकेनिक के पास वर्कशॉप, उसको गाड़ी दे आएंगे और वापसी देखें फिर कैसे आते हैं कैसे नहीं। लेट्स गो जी। तो अब हम लोग जा रहे हैं इबादत के लिए, शब्बे बरत आज है, शब्बे बरात, और मियाँ भाई आज हमारे साथ, लास्ट लोग में भी मियाँ भाई थे हमारे साथ वजीर खान की मस्जिद में, और अब मियाँ भाई हमारे साथ दोबारा जा रहे हैं, और लास्ट टाइम फैजान हमारे साथ ही था और आज फैजान भी जा रहा है। वाह, पेट्रोल की बचत, पेट्रोल की बचत। और ये कहता है जी के मैं हवाबी हूँ, ये हवाबी है और ये कहता है जी के शब्बे बरात का जो शब्बे बरात होती है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे नबी ये जो तमाम सूरत हाल है वो उनमें किसी ने नहीं किया, किसी सहाबा ने नहीं किया, ये मेरी बात ने नहीं किया। तो हम लोग दीन में इजाफा कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इस पे तफसीली बात करते हैं, हम आगे रुक के कहीं पे। तो मस्जिद में हम थोड़ा सा रुके थे, उसके बाद भूखला करी थी, कुछ खाने आए, अब खाना हमने खा लिया, इस वक्त बादशाह मस्जिद के बाहर हम लोग मौजूद हैं। और जट साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह जट साहब ने टोपी पहनी हुई है, टोपी। तो अभी बोटल्स पी रहे हैं, बोटल्स पी के वापस मस्जिद जाएंगे और 2:30 बजे सलात तस्बीह की नमाज है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद सैरी करेंगे और घर आ जाएंगे इंशाल्लाह।